आप गौर से देखें इन तस्वीरों को जो बुलंद शहर के डिबाई इलाके के दानपुर के जंगलों में चल रही बारूद मंडी की है, और फिर आप बारूद पर बैठे इन मासूमों को देखिए जिनसे यहाँ मजदूरी करवाई जाती है। जैसे ही दिवाली नजदीक आ जाती है बारूद का ये कारोबार इन जंगलों में फल फूलने लगता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी करने के चक्कर में मंडी चलाने वाले आका भूल जाते हैं कि बारूद पर बैठे मासूम बच्चों की जान को यहाँ किस कदर खतरा बना रहता है। लेकिन नोटों के टुकड़े कमाने के लिए भूख ने शायद इन आकाओं की आंखों में इन मासूमों की जिंदगी की शायद कोई कीमत ही नहीं छोड़ी। यहाँ आपको ये भी समझाना होगा कि आपके अपने चैनल ने पिछले साल जब बारूद का कारोबार कर रहे इन माफियाओं के कारनामे का खुलासा किया था, तब जाकर कहीं डिबाई एसडीएम की नींद खुली थी और इन पर कार्रवाई करते हुए कारोबार को बंद करा दिया गया था। लेकिन अपनी कमर मजबूत करने के लिए इन लोगों ने कारोबार का लीगल लाइसेंस लिया है। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि आखिर बारूद के इस कारोबार में बच्चों को रखने की अनुमति इन्हें किस विभाग से मिली है। सर, दिवाली बिल्कुल नजदीक है, आपके इलाके में भी काफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कितनी यूनिट है और किस तरीके से? हमारी तहसील में दानपुर एक जगह है, वहाँ पर 6 लोग आतिशबाजी का कार्य करते हैं। उनके सभी 6 लोगों के जंगल में कमरे बने हुए हैं, बालू है और पानी की व्यवस्था है, बालू की है, और फायर ब्रिगेड का आग बुझाने का भी उनके पास रखा हुआ है, पाया गया है वहाँ पे। और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि जो पटाखे बनाने के की कंडीशन और शर्तें हैं वो अपना पालन करें, वो अपना बोर्ड लगा के वो शर्तें भी वहाँ उनकी लगवा दी गई है, और यदि कोई उनके द्वारा गलती पाई जाती है तो उस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार सर यहाँ पर देखा गया था कि इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर बच्चे भी काम करते थे जो कि कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो आप क्या एक्शन लेते हैं इस तरह? जब पिछली बार ये आई थी बात तो हम लोग तत्काल जांच किए, तो वहाँ हमको बच्चे मिले नहीं थे, पर यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल और होता है कि अगर बच्चे काम कर रहे हैं, आपके नॉर्म्स क्या कहते हैं, बच्चे काम करे, बच्चे नहीं कर, कितनी उम्र होनी बच्चे चाहिए? बच्चे नहीं कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये आतिशबाजी क्या है, उसमें बच्चों को अलाउ नहीं है।